आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। ये कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के सातवां पार्ट है, यानी कि सेवेंथ पार्ट है। इसके पहले मैंने सिक्स पार्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। ओके, आज हम पढ़ेंगे सेवेंथ पार्ट, यानी कि कंजक्शंस। ओके, तो ये कंजक्शंस होता क्या है वो? तो कंजक्शन का मतलब होता है वो वर्ड जो दो वर्ड या दो सेंटेंस या वर्ड ग्रुप्स को वो कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है, यानी कि जोड़ता है। ठीक है, तो ये जोड़ने वाले वर्ड को हम कहते हैं कंजक्शंस। ओके, जैसे यहाँ लिखा देखिए, कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंट्स वर्ड्स, वर्ड ग्रुप और सेंटेंस। यानी कि कोई वर्ड्स को जोड़ेगा या वर्ड ग्रुप को जोड़ेगा या कोई सेंटेंस को जोड़ेगा। ओके, तो कोई भी वर्ड अगर किसी दो सेंटेंस को जोड़ता है तो जोड़ने वाले वर्ड को हम कहते हैं कंजक्शंस। ओके, देखिए जैसे मैं यहां लिखा हूं, राम एंड गोपाल आर टू फ्रेंड्स। ओके, राम एंड गोपाल, ये दो वाला वर्ड को ये एंड से कनेक्ट किया गया है, इसलिए एंड होता है कंजक्शंस। ओके, तो इसी तरह बहुत सारा वर्ड है जो कंजक्शंस कहलाता है, जैसे कि बट है, और है, येट है, सिंस है, व्हेन है, आफ्टर और वगैरह वगैरह बहुत सारा है। देखिए कंजक्शंस को आसानी से समझने के लिए मैंने पूरे कंजक्शंस को दो ग्रुप में मैंने उसको डिवाइड कर दिया हूँ। ग्रुप नंबर वन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ग्रुप नंबर टू सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है वो ये वाला देखिए, एंड, बट और येट, फॉर, नॉर, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ऑनली बट ऑल्सो, ये सब कहा गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये कंजक्शन का इस्तेमाल कहाँ हम करेंगे? दो सेंटेंस, अगर दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हेल्प लेंगे। ओके, उसी तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है? व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, टिल वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे कंजक्शंस हैं। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे? दो सेंटेंस अगर उनमें से एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ओके, उनमें से एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो उस क्लॉज को, उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, यानी उसके अंदर में डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर डिपेंडेंट क्लॉज है तो हम इनमें से किसी एक को यूज करेंगे। अगर हम देखते हैं कि दो सेंटेंस, उनमें से दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो उन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए हम इन कंजक्शन का हेल्प लेंगे। ओके, जबकि ये दोनों को कहा गया है कंजक्शंस, चाहे वो कोऑर्डिनेटिंग हो या सबऑर्डिनेटिंग हो, ये सब होता है कंजक्शन। ओके, इन दोनों कंजक्शंस को हम सेंटेंस को जोड़ने के काम में हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल से कौन सा कंजक्शंस किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है, सी हैज प्लेंटी ऑफ मनी, सी इज ए माइजर। सी हैज प्लेंटी ऑफ मनी, उसके पास बहुत ज्यादा रुपया है, वो थोड़ा कंजूस है। ओके, माइजर है। देखिए अगर दो सेंटेंस ऑपोजिट सेंस देता है तो उन दोनों सेंटेंस को आप बट नाम का कंजक्शन से जोड़ेंगे। देखिए कैसे लिखूंगा मैं यहां, सी हैज प्लेंटी ऑफ मनी बट सी इज ए माइजर, सी इज ए माइजर। उसके पास बहुत ज्यादा रुपया है लेकिन वो माइजर है। ओके, तो मैंने ये दो सेंटेंस को कंबाइन किया किससे? ये बट से। देखिए जब दोनों सेंटेंस को आप कंबाइन करेंगे बट से या एंड से तो क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट का जो पहला वाला लेटर है कैपिटल है वो आपका यहाँ आ जाएगा स्मॉल में। ओके, इस तरीके से आप उसको कंबाइन करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस इम्तिहान में आता है वो क्या आता है, दो सेंटेंस दिया जाएगा और वहां पे सवाल ये होगा
कि कॉम्बाइन द टू सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शंस। ओके, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ना है वो भी एप्रोप्रिएट कंजक्शन से। तो कौन सा कंजक्शन यूज होगा आप उसके बारे में डिटेल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप जान जाएंगे। जैसे कि मैं यहां पे इस्तेमाल किया बट, क्योंकि उसके पास बहुत सारा रुपया है मगर वो कंजूस है। ओके, तो मैंने यहां पे बट नाम का जो कंजक्शन मैं उसको इस्तेमाल किया। ओके, तो इस तरीके से देखिए, ही वाज पुअर, ही वाज ब्लाइंड, वो गरीब था, वो अंधा था। ओके, तो देखिए ये दोनों सेंटेंस अगर सेम सेंस देता है आप उसको एंड से कनेक्ट करेंगे। ओके, ही वाज पुअर एंड ब्लाइंड, वो गरीब था, वो अंधा था। मैंने क्या किया, दोनों सेंटेंस सेम सेंस दे रहा है इसलिए मैंने किया ही वाज पुअर एंड ब्लाइंड, ये दोनों को मैंने एंड से कनेक्ट किया। ओके, उसके बाद देखिए, रन फर्स्ट यू विल मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे चॉइस दे रहा है, अगर तेज नहीं जाना है तो ट्रेन मिस हो जाएगा। जिस सेंटेंस के अंदर में चॉइस का मामला आता है आप वहां पे दोनों सेंटेंस को और से कनेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहां लिखूंगा रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। उसी तरह देखिए, मदर वाज बेकिंग ए केक, द गेस्ट्स अराइव्ड, माँ केक बना रही थी, गेस्ट आकर पहुंचे। ओके, तो अभी फिलहाल यहां देखिए, ये वाला सेंटेंस इन दोनों सेंटेंस के अंदर में एक डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे पता चला, कि जब मेहमान आके पहुंचे, गेस्ट आके पहुंचे, तो माँ उस वक्त क्या कर रही थी, केक बना रही थी। जब मेहमान आके पहुंचे, जब का इंग्लिश होता है व्हेन। ओके, तो मैंने इन दोनों सेंटेंस को व्हेन से कनेक्ट करूंगा। जैसे मदर वाज बेकिंग ए केक व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, तो इन दोनों सेंटेंस को मैंने व्हेन, जो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, तो उसके जरिए से मैंने दोनों को कनेक्ट किया। ओके, तो उसी तरह देखिए, यहां लिखा है प्रैक्टिस वेल यू वांट टू विन द प्राइज, प्रैक्टिस ठीक से कीजिए, यू वांट टू विन द प्राइज, तुम प्राइज विन करना चाहते हो। अभी इन दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे पता चला, अगर तुम प्राइज विन करना चाहते हो तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर का इंग्लिश होता है इफ। ओके, तो मैंने इन दोनों सेंटेंस को इफ से कनेक्ट करूंगा। जैसे देखिए, प्रैक्टिस वेल इफ यू वांट टू विन द प्राइज। ओके, तो इस तरीके से आप जो बहुत सारे कंजक्शंस हैं उन कंजक्शंस का आप इस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे और दो सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। ओके, तो आप अपना घर में प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझको सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।